hello aspirants welcome to the upsc analyzer so today we will discuss newspaper analysis dated 17th of august 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like share and subscribe i have started my upsc mentorship program in which i am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail if you are interested and want to join this program

तो कश्मीर में यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनकी टारगेटेड किलिंग की जा रही है तो इससे पहले भी हमने ये न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं तो ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी देखने को मिल रहे थे और अब वापस से ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कश्मीर में मिलिटेंसी का फ़ेस कैसे चेंज हुआ है तो यहाँ पर बात की गई है जो कश्मीर है वहाँ पर हमें फेसलेस मिलिटेंसी देखने को मिल रही है तो बेसिकली यहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं उनका कोई भी पास रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर जो बेसिकली जो चिल्ड्रन यहाँ पर स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं टेंथ के बच्चे तो वो यहाँ पर मिलिटेंसी में जोड़ रहे हैं और उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और स्टार्टिंग में ही उनसे कोई यहाँ पर वॉयेंस करवा लिया जाता है स्मॉल स्केल वॉयेंस जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं जुड़ पाते हैं एज इट्स शिप डॉक्स इन लंका पोर्ट बीजिंग से दिस इज लाइफ तो यू वन वांग फाइव शिप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दो तीन बार डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले तो ये जो शिप है इसको श्रीलंका ने अलाउ कर दिया था कि ये हम्बन टोटा पोर्ट पर आके डॉक कर सकता है और अब इसका अराइवल हो चुका है हमन टोटा पोर्ट पर इंडिया ने श्रीलंका के ऊपर डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाने की कोशिश तो की थी श्रीलंका ने डफर भी किया था लेकिन फाइनली यहाँ पर श्रीलंका ने क्लियरेंस दी थी तो श्रीलंका का बस ये कहना है कि बेसिकली जो रडार है इस शिप का वो बंद करवा देंगे जब हमन टोटा पोर्ट पर यह डॉक करेगा लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका के पास इतनी एक्सपर्टीज है कि वो पता लगा सके कि रडार ऑफ है कि नहीं है तो एज द चाइनीज बेलिस्टिक मिसाइल एंड सेटेलाइट शिप, तो हमारे हम इसको कहते हैं कि चाइना की शिप है चाइना कहता है कि ये इसकी सेटेलाइट शिप है युआन वंग फाइव अराइव ट्यूजडे मॉर्निंग एट हम्बन टोटा पोर्ट अ स्ट्राजिकली इंपॉर्टेंट डीप सी पोर्ट इन सदर श्रीलंका चाइना सेट द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स वेसल एल यहाँ पर किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करेगी तो बेसिकली वो यहाँ पर इंडिया को ही रेफर कर रहा था कि इंडिया की सिक्योरिटी को हम यहाँ पर थ्रेटन करने नहीं आए हैं एवर सिंस द चाइनीज टॉक हमन टोटा पोर्ट ऑन अंटी नाइन ईयर लीज इन दो हज़ार सत्रह तो दो हज़ार सत्रह से ही ये जो हमन टोटा पोर्ट है ये श्रीलंका ने चाइना को लीज पर दे रखा है निन्यानवे सालों के लिए इंडिया एंड द यू एस है वॉइसड कंसर्न कि हो सकता है कि ये इंडिया और यू एस के कंसर्न को यहाँ पर उनके जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर हार्म करे और ये हमें होता हुआ दिख भी रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्पाई शिप को श्रीलंका ने अप्रूवल दे दिया लेकिन श्रीलंका का ये कहना है कि स्पाई शिप नहीं है और ये किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करेगा और चाइना का भी यही कहना है अब हम और कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं इस शिप के बारे में युआन वांग फाइव इज़ अ पावरफुल ट्रैकिंग वेसल और इसकी जो एरियल रीच है ना वो 750 किलोमीटर है इसका मतलब ये है ये जो शिप है इसकी जो एरियल रीच है उसमें यहाँ पर केरला के कुछ पोर्ट्स भी आएंगे तमिलनाडु के भी आएंगे और आंध्र प्रदेश के भी आएंगे जो कि चाइना के रडार पर होंगे लेकिन अब इनका ये कहना है कि हमने रडार बंद करवा दिए हैं तो हम मान लेते हैं इनकी बात अब हम चलते हैं आगे आप अब देख सकते हैं कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बिल्किस बानो का जो केस है अब इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक्सप्लेन पेज पर आया है तो एक बार हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे फिर नेक्स्ट है डेली पुलिस इन आर टी आई रिप्लाई तो यहाँ पर आर टी आई में डेली पुलिस से ये पूछा गया था कि आप ये जो फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे हो तो आप कैसे पता कर रहे हो कि मैच है तो उनका ये कहना है कि एट्टी परसेंट अगर मैच हो जाता है तब हम मान लेते हैं कि ये यह यहाँ पर मैच है फिर यहाँ पर एफ आई एफ ए ने फीफा ने सस्पेंड कर दिया है ए आई एफ एफ को क्यों सस्पेंड कर दिया है तो उसके यहाँ पर कुछ रीज़न है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बॉडी अपॉइंट कर दी गई थी सी ओ ए तो यहाँ पर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट कर दिया गया था जिसमें प्लेयर्स को फिफ्टी परसेंट से दे दी गई थी लेकिन यहाँ पर फीफा के अकॉर्डिंग जो प्लेयर्स की से होनी चाहिए वो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव परसेंट होनी चाहिए तो यहाँ पर कुछ गवर्नेस इशूज़ थे जिसके चलते यहाँ पर फीफा ने ए आई एफ एफ को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है बाई द फीफा लेट नाइट फुटबॉल्स वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा ट इट हैड सस्पेंडेड दल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विद इमीडिएट इफेक्टर ऑफ दीफा हुआ था ऐसा इनका कहना है पर को कर दिया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सी ओ ए बना दिया था अपॉइंटेड सी ओ ए जो कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थी तो उनका यह कहना है कि बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है जिसके बाद यहाँ पर ए आई एफ एफ को सस्पेंड कर दिया गया इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल भी आया है तो हम देख लेंगे अब हम चलते हैं आगे जस्टिस फॉर बिल्किस तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में यहाँ पर यह कहा था कि वेमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो कैन वी नॉट प्लेज टू गेट वेड ऑफ एवरीथिंग इन आर बिहेवियर कल्चर एंड एवरी डे जो कि यहाँ पर वेमेन को हिमिलेट करता है वेमेन को डिमीन करता है ऑन द सेम टाइम इन अ डिसाइसिव दैट वॉयलेट्स द लेटर एंड स्प्रिट ऑफ दी एम सैट्रेस दैट सेलिब्रेटेड नारी शक्ति तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने नारी शक्ति की बात की थी तो ऑथर का यही कहना है कि जिस दिन की बात कर रहे थे उस ही दिन यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट के एक पैनल ने बिल्किस बानो के गैंग रेप केस में जो यहाँ पर ग्यारह लोग कन्विक्ट थे उनको यहाँ पर रेमिशन दे दिया गुजरात गवर्नमेंट पैनल अप्रूव्ड अ प्ली फॉर रेमिशन फॉर 11 कन्विक्ट सर्विंग लाइफ सेंटेंसेस इन द बिलकिस बानो गैंगरेप केस फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि जो गुजरात राइट्स दो हुए थे में तब यहाँ पर बिलकिस बानो का गैंगरेप हुआ था उनकी यहाँ पर तीन साल की बेटी को भी मार दिया गया था तो बिसाइड सुरप द 11 मैन हैड बी कन्विक्टेड फॉर दर्डर ऑफ बिल्किस थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड थर्टीन अदर्स ऑल मुस्लिम बाई अ सी स्पेशल कोर्ट इन तो यहाँ पर रमिशन दे दिया गया है इन 11 लोगों को सिंस हर अटैकर्स आर फ्रॉम हर ओन विलेज जिसकी वजह से बिल्कुल अपने गाँव में वापस भी नहीं जा पाए हैं क्योंकि उनको डर लगा रहता है तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने यह बताया है अब हम चलते हैं आगे प्रिज्यूम्ड गिल्टी यहाँ पर कोट किया गया प्रेजेंट स्टैटिक्स ऑफ इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी की रिपोर्ट में जिसमें हमें यह पता चला है जो सेवेंटी सिक्स परसेंट प्रिजनर्स हैं ना वो अंडर ट्रायल है अंडर ट्रायल का मतलब ये होता है कि वो अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए हैं द फैक्ट दट सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑफ प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल्स इंडिकेट्स दैट दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड इन द ब्रीच इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रूटीन अरेस्ट किए जा रहे हैं जहाँ पर जरूरत नहीं भी अरेस्ट करने की वहाँ पर भी अरेस्ट किया जा रहा है इसीलिए यहाँ पर जो सेवेंटी सिक्स परसेंट प्रेज है वो यहाँ पर अंडर ट्रायल्स हैं जो कि अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए हैं द लार्ज परसेंटेज ऑफ अंडर ट्रायल्स इन प्रिजन एंड प्री ट्रायल डिटेंशन आर ऑफन अ रिजल्ट ऑफ द अनफेयर एप्लीकेशन ऑफ द बेल प्रोविजन्स इसके अलावा अननेसेसरी अरेस्ट किया जाता है बाई द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज द मॉडिफिकेशंस अंडर सेक्शन 41 एंड इन कारपोरेशन फोर्टी वन ए इन द सी आर पी सी वर्ट सिग्नीफिकेंट अटैम्प्ट की यहाँ पर जो अरेस्ट पुलिस करती है उसको कम किया जाए लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आ रहा है तो बेसिकली अमेंड करके ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ यहाँ पर सात सालों तक की सज़ा है तो उसमें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो वर्ट सिग्निफिकेंट अटम्प्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अरेस्ट बाई द पुलिस इन ऑफेंसिस जिसमें यहाँ पर जो सज़ा है वह सिर्फ सात सालों की जेल की सज़ा है दीज इनिशिएटिव हैट द पोटेंशियल कि यहाँ पर जो कस्टोडियल वॉलेंस है और जो कोर्ट्स का बर्डन है

के ऊपर भी यहां पर शक है कि इसने पर ऑफेंस किया उसको यहाँ पर जेल में डाल दो तो दिस डिफीट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन यहाँ पर कोर्ट ने 2014 के वर्डिक्ट के वर्डिक इन अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्टेट गवर्नमेंट को यह कहा था कि अपने पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर इंस्ट्रक्ट करो कि हर जगह हर केस में आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है टू इंस्ट्रक्ट इट्स पुलिस ऑफिसर टू नॉट अरेस्ट द अक्यूज ऑटोमेटिकली द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी लेस देन सेवन ईयर्स तो अगर कोई ऑफेंस है जिसकी सजा सिर्फ सात सालों तक की है तो उसमें यहां पर अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन के दौरान द कोर्ट ले डाउन ए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस जो कि यहां पर फॉलो करने की, जरूर right हाँ की जरूरत है क्योंकि तो यहां पर अक्यूज के राइट को भी इंश्योर करना है एंड सोसाइटी एट लास्ट को भी यहां पर रिस्पेक्ट करने की जरूरत है इट सजेस्टेड तो यहां पर कोर्ट ने कुछ टाइम पहले यहां पर सजेस्ट किया था जो कि हमने भी डिस्कस किया था कि कि इंडिया में एक बेल एक्ट होना चाहिए जैसे कि यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया में बेल एक्ट है वैसे ही इंडिया में भी बेल एक्ट होना चाहिए तो इतने ज्यादा जो यहां पर अंडर प्रिजनर्स वो यहां पर नहीं होंगे और जो जेल से वो यहां पर जेलस्ट हो सकेंगी तो सच अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन विल नॉट ओनली मेक द ग्रांटिंग ऑफ बेल सिंपलर और यहां पर बेसिकली जो कंडीशंस होंगी वो एक्सप्लिसिट तरीके से लिखी होंगी कि कहां पर बेल ग्रंट करनी है और कहां पर नहीं करनी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीजी नीड टू सिंग देयर अप्रोच विद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसके अलावा यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव होने की जरूरत है कि कहाँ पर अरेस्ट करने की जरूरत है और ये जो रूटीन अरेस्ट की प्रैक्टिस है ये यहाँ पर खत्म होनी चाहिए अब हम चलते हैं आगे पावर और रियलिटी चेक तो यहां पर डिस्कॉम्स के बारे में बताया गया है कि डिस्कॉम्स कितने ज्यादा लॉसेस में चल रहे हैं और डिस्कॉम्स लॉसेस में चल रहे हैं इसकी वजह से यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेज है उसके ऊपर बर्डन आता है द तो रिवर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम एलॉन्ग विथ प्लान चेंजेस टू द लॉ लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ अटेप बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट कि यहां पर जो पावर सेक्टर के चैलेंजेस है उनको यहां पर सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स आर ओवर नॉट जस्ट फॉर देयर ओन सेक बल्कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस को अगर रेस्क्यू करना है तो पावर सेक्टर में रिफॉर्म की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो यहां पर आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिससे यह पता चला था कि यहां पर स्टेट फाइनेंसेस जो हैं फॉर एग्जांपल पंजाब राजस्थान के वो यहां पर बहुत ही ज्यादा डिसमल स्टेट में है हैड डेफिसिट्स एंड डेट दैट एक्सीडेड द इंडिकेटिव टारगेट जो कि यहाँ पर फिफ्टी फाइनेंस कमीशन ने दिए थे तो वो टारगेट तो यहाँ पर बहुत पहले ही एक्सीड हो चुके हैं दीज रिपोर्ट्स हाईलाइट द चैलेंजेस जो कि यहाँ पर स्टेट्स फेस कर रहे हैं और उसका एक रीज़न यहाँ पर डिसफंक्शनैलिटी ऑफ द पावर सेक्टर डिस्कॉम्स भी है इंडिया हैज़ मेड इम्प्रेसिव स्ट्राइट्स इन इंक्रीजिंग एक्सेस टू द क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके अलावा हमने रिनेबल इलेक्ट्रिसिटी की भी कैपेसिटी को बढ़ाया लेकिन अगर हम ये देखें तो यहाँ पर जो पावर सेक्टर्स है उसमें हेडलाइन लॉसेस बहुत ज्यादा है लॉसेस विदाउट सब्सिडीज एंड ग्रांट्स भी बहुत ज़्यादा है लॉसेस विदाउट सब्सिडीज एंड ग्रांट्स तो अगर ये सब हम कंबाइन कर लें तो कंबाइंड लॉसिज टू लाख करोड़ विदाउट सब्सिडीज एंड ग्रांट्स विच माउंट टू रुपीज लाख करोड़ वन एरियर्स आर इंक्लूडेड तो इतना ज़्यादा यहाँ पर डिस्कॉम के लॉसेज हैं स्टेट गवर्नमेंट्स कोड भी स्टेयरिंग एट लॉसिस ऑफ 1.5 परसेंट ऑफ जीडीपी जस्ट फ्रॉम दिस वन सेक्टर तो एक सेक्टर की वजह से सिर्फ पावर सेक्टर की वजह से यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हो उनको 1.5 परसेंट ऑफ जीडीपी का नुकसान हो सकता है फॉर ओवर 50 इयर्स कॉस्ट हैव नेवर बीन रियली बीन कवर्ड बाई रेवन्यूज और यहाँ पर लॉस पर पैच्योरिटी में यहाँ पर लॉस चल रहा है हर बार इनको लॉस होता है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे थे लेकिन अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर लॉस होता भी था तो ज़्यादा इनको हमेशा सेव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम लेकर आ जाती थी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ इनको फाइनेंस प्रोवाइड कर देती थी तो सम गवर्नमेंट एक्टर टिपिकली स्टेट गवर्नमेंट्स बट ऑल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और द सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा इनके रेस्क्यू के लिए आ जाते थे जिसकी वजह से यहाँ पर फुल ब्लोन क्राइसिस ना हो फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर उदय स्कीम लॉन्च कर दी गई थी इनको यहाँ पर बैंक से फंड प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर यह जो है इनका काम चलता रहे तो इफ दैट इज ट्रू एंड इन द स्प्रिट ऑफ वर्ट द उदय स्कीम अटेम्प्टेड डिस्कॉम लॉसिस ऑपरेशन मस्ट भी इंक्लूडेड इन स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस और यहाँ पर फ्लो और स्टॉक साइड दोनों में ही करने की जरूरत है कि यहाँ पर जो पावर डिस्कॉम्स का लॉस है वो कितना ज्यादा है तो हमें ये लगता है कि इनको पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे ज्यादा लोन देते होंगे जब इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती होगी लेकिन यहाँ पर ऑचर ने ये कहा है जो पावर सेक्टर इज बींगाइनेंस नॉट द पब्लिक सेक्टर बट बाय द टू नॉन बैंक फाइनेंशियल टू एन बी एफ सीज हैं कौन कौन सी हैं तो एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन दूसरी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन दोनों को मर्ज कर दिया गया था बाद में तो फ्रॉम ट्वेंटी फोर्टीन ऑनवर्ड्स पी एफ सी आर हैव लेंट मोर टू द पावर सेक्टर देन पी एस बीज और इन्होंने छः लाख करोड़ का लोन दिया पावर डिस्कॉम्स को द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ डिस्कॉम्स इज कंसिडरेबली वर्ड्स देन हेडलाइन नंबर्स इंडिकेट और ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है अगर कोई यहाँ पर स्टेप नहीं लिया गया अब इसका सल्यूशन क्या है तो सोल्यूशन ऑथर नेक्स्ट आर्टिकल में बताएंगे तो वी टेक दीज इन आर नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट ये इस आर्टिकल में सिर्फ हम डेटा डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कहीं लगता है आप कोट कर सकते हो तो आप कोट कर सकते हो तो यहाँ पर यह बताया गया है जो मुस्लिम्स हैं दे आ फोर्टीन पॉइंट टू परसेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लेकिन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में जो उनका प्रोपोशन है वो सिर्फ सेवन परसेंट है तो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में जो यहाँ पर मुस्लिम्स का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ सात प्रतिशत है लेकिन उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर फोर्टीन पॉइंट टू परसेंट है इन कॉन्ट्रास्ट हिंदूज जो कि यहाँ पर एटी पॉइंट टू परसेंट ऑफ इंडियाज की पॉपुलेशन को कंप्राइज करते हैं उनका पब्लिक सेक्टर में वो कंप्राइज करते हैं एट्टी सिक्स परसेंट तो अस्सी परसेंट वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लेकिन पब्लिक सेक्टर में उनका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन एटी सिक्स परसेंट है ऑन द अदर हैंड मुस्लिम्स ओवर रिप्रेजेंटेड है सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड में लेकिन यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें भी यहाँ पर जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो रहा है तो ऑन द अदर एंड मुस्लिम्स आर ओवर रिप्रेजेंटेड अमंग द सेल्फ एम्प्लॉयड सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट इन टू थाउजेंड नाइन ट्वेल्व एंड फिफ्टी पॉइंट फाइव परसेंट इन ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी एंड इरोजन वी सी इन मोस्ट स्टेट्स फिर यहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग डेटा बताया गया फॉर एक्जाम्पल यूपी राजस्थान का तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे हमने ओवरऑल इंडिया के लेवल के ऊपर डेटा डिस्कस कर लिया है द डिक्लाइनिंग रेप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में तो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन कम है इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला यहाँ पर है कैटेगरी उसमें भी इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो रहा है तो शेयर ऑफ मुस्लिम्स डीम्ड एज जॉबलेस इन द एन एस एस सर्विस अंडर रिव्यू जम्प्ड फ्रॉम टू पॉइंट सिक्स टू परसेंट और यहाँ पर बढ़कर हो चुका है सेवन पॉइंट वन सिक्स परसेंट इन ट्वेंटी एटी नाइन्टीन तो बेसिकलीसर ने यही कहा है कि मुस्लिम्स यहाँ पर चौदह परसेंट की पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जो पब्लिक सेक्टर में है वो सिर्फ सात पर, सात परसेंट है और सेल्फ एम्प्लॉय में उनका जो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था वो भी अब यहाँ पर लगातार कम हो रहा है नेक्स्ट ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे आ कैन अब हम चलते हैं आगे यहां पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है सिलेक्शन ऑफ वी सीज ड्राफ्ट ऑफ बिल टू गिव गवर्नमेंट मोर से गेट्स केरला कैबिनेट नॉड अब केरला एक ड्राफ्ट बिल लेकर आया है और ड्राफ्ट बिल में ये जो केरला है वो यहां पर गवर्नमेंट की ज्यादा से यहां पर लाना चाह रहा है अगर यहां पर वीसी को सेलेक्ट करना है तो उसमें यहां पर गवर्नमेंट की ज्यादा से होगी तो अभी यहां पर जो कमेटी बनाई जाती है उसमें तीन मेंबर्स होते हैं उसमें से तीन नॉमिनेटेड बाई द गवर्नर द यूजीसी एंड द यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिवली तो यहां पर थ्री मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाई द गवर्नर यू एंड द यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिवली अभी जो थ्री मेंबर कमेटी है ना इसको फाइव मेंबर कर दिया जाएगा और यहां पर जो दो एडिशनल मेंबर्स है वो यहां पर वो यहाँ पर गवर्नमेंट नॉमिनेट करके भेजेगी तो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन हैज प्रोपोज टू एडिशनल मेंबर्स इन द पैनल हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट केरला कैबिनेट ऑन ट्यूजडे approve the draft of a bill that will give the government an upper hand in the selection of vice chancellors of state universities aur yahan par jo governor hote hain wo hote hain ex officio chancellor of the state universities ab hum chalte hain aage तलाक ए हसन practice not so improper तो 2019 में जो तलाक ए बिद्दत था उसको तो यहाँ पर unconstitutional declare कर दिया गया था लेकिन तलाक ए हसन का एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये प्रैक्टिस इम्प्रॉपर नहीं है अब तलाक बिद्दत और तलाक़ के हसन में क्या डिफरेंस होता है तो तलाक़ बिद्दत में बेसिकली यहाँ पर एक ही सिटिंग में तीन बार तलाक प्रोनाउंस कर दिया जाता है लेकिन तलाक़ के हसन में एक एक मंथ में एक एक बार तलाक बोला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे सेड इट वॉज ऑफ़ द प्राइम ऑफ एसी व्यू दैट द प्रैक्टिस ऑफ तलाक के हसन फॉलोड बाई मुस्लिम मैन फॉर डाइवोर्स बाई से तलाक टू द वाइफ वंस अ मंथ फॉर थ्री मंथ्स इज़ नॉट सो इम्प्रॉपर लेकिन यहाँ पर जो तलाक ए बिद्दत है उसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था लेकिन तलाक के हसन अभी भी होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है लेकिन तलाक के बिद्दत यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो यहाँ पर केस गया था कि हर तलाक को ये जो ऑल एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म्स ऑफ तलाक है इनको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए और आर्बिट्ररी और इरेशनल रैशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए एंड कंट्रेड्यू टू आर्टिकल फोटीन फिफ्टी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फाइव अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है केरला फिशरमैन बिगिन सेट इन प्रोटेस्ट एट अदानी प्रोजेक्ट साइट अब यहाँ पर कौन से प्रोजेक्ट की बात की गई तो विजिन जम इंटरनेशनल सी पोर्ट बनाया जा रहा है लेकिन यहाँ पर फिशरमैन कम्युनिटी का यह कहना है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो बैसिफ सी इरोजन हो रहा है इसके अलावा जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड है वो हो रहा है जो डिवेलिंग एरिया वो यहाँ पर कम हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है बाई द फिशरमैन कम्युनिटी स्टार्टअप बैक बाई रतन टाटा तो ये स्टार्टअप डिस्कस कर लेते हैं ये स्टार्टअप है गुड फेलो स्टार्टअप तो इसमें रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है और वो यहाँ पर सीट फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अब क्या है ये गुड फैलो स्टार्टअप तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो कि अकेले रहते हैं तो उनको अगर कहीं जाना होता है तो ऐसे में उनके साथ हो कोई होता नहीं है वो एंजॉय नहीं कर पाते अपनी लाइफ को जैसे उनको करने की ज़रूरत होती है तो ऐसे में कुछ ग्रैंड पेल्स होंगे तो उनके बेसिकली ग्रैंड चाइल्ड की तरह जो लोग यहाँ पर उनको सर्व करना चाहते हैं तो वो जाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं उनको कहीं ऐसे स्टॉल पर ले जा सकते हैं उनको इसके अलावा कैफे ले जा सकते हैं तो उसके लिए ही है ये गुड फेलो स्टार्टअप तो गुड फेलोज अ स्टार्टअप दैट हेल्प्स सीनियर सिटीजन फाइंड इम्फेथेटिक यंग कंपेनियंस और इसको यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड की गई है भाई द रतन टाटा सर तो ये आप याद रख सकते हैं अब हम आगे चलते हैं एफ इंसास निपुन एल सी ए ये तीनों हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या तो एफ इंसास क्या है और द फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम तो इसमें यहाँ पर सोल्जर को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा सो सोल्जर्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न सिस्टम जो कि यहाँ पर लाइट वेट होगा ऑल वेदर ऑल ट्रेन होगा कॉस्ट इफेक्टिव होगा लो मटेनेंस होगा इसके अलावा ए के टू जीरो थ्री एसोल्ट राइफल प्रोवाइड की जाएगी जो कि रशियन ओरिजिन की है और इसकी जो रेंज है वो है तीन सौ मीटर और इसको बिल्ड किया जा रहा है कॉरवानियर अमेठी इन रशिया इंडिया वेंचर इसके अलावा

निपुन माइंस तो निपुन माइंस आर इंडीजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एंटी पर्सनल माइंस जो कि यहाँ पर कोई भी अगर एनिमी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर यूज़ की जाएगी तो दे हैव बीन डेवलप्ड विद द एफर्ट्स ऑफ आर्माेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट अ पोने बेस्ड डी आर डी ओ फैसिलिटी फिर यहाँ पर थर्ड है एल सी ए लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट तो जो अभी हम यहाँ पर बोट्स यूज़ कर रहे हैं पैंगॉन सो लेके के आसपास तो उसकी यहाँ पर कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है लेकिन यहाँ पर जो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसीलिए इनको यूज़ किया जाएगा एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द बोट्स

एंड वन सिक्सटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर देता है टू पार्डन एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूटर सेंटेंस जो कि यहाँ पर कोर्ट पास करते हैं इसके अलावा जो प्रिज़न है वो स्टेट सब्जेक्ट है इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर होती है कि वो अंडर सेक्शन फोर थर्टी टू ऑफ दसीआर पी सी यहाँ पर सेंटेंसिस को रेमिट कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर स्टेट जिसको चाहें उसको रेमिट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ रूल्स हैं हाउ एवर सेक्शन फोर थर्टी थ्री ए ऑफ द सी आर पी सी पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अब यहाँ पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं तो वेर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज इम्पोज ऑन कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस फॉर विच डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाई लॉ तो अगर यहाँ पर जो ऑफेंस यहाँ पर कन्विक्ट ने किया है उसके लिए उसको तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला है लेकिन उसके लिए सजा यहाँ पर डेथ पेनाल्टी की भी थी और वेर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इंपोज ऑन अ पर्सन हैज बिन कम्यूटेड अंडर सेक्शन फोर थ्री थ्री इंटू वन ऑफ इम्प्रिजेंटम फॉर लाइफ इसके अलावा उसको यहाँ पर डेथ पेनाल्टी की सजा दी गई थी लेकिन उसको यहाँ पर कम्यूट कर दिया गया है इन सच पसन शैल नॉट ब रिलीज फ्रॉम प्रिजन अनलेस हीटलीस्ट फोर्टीन ईयर्स

और वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इंपोज ऑन अ पर्सन उसको यहाँ पर कम्यूट किया गया है इसके अलावा सच पर्सन शेल नॉट बी रिलीज फ्रॉम प्रेजेंट जब तक वो यहाँ पर चौदह साल की सजा को पूरा नहीं कर लेता तो लाइफ टर्म इंप्रेजेंट का मतलब ये है कि अगर ये केसेज हैं तो चौदह साल से पहले तो यहाँ पर रेमिट नहीं किया जा सकता है तो प्रिजनर्स आर ऑफन रिलीज ऑन द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरीज ऑफ द प्रोमिनंट लीडर्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेवेंटी सिक्स इंडिपेंडेंस डे को मार्क करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइंस स्टेट को दिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पेशल रमिशन दिया जाए उन प्रिजनर्स को जिन्होंने लगभग अपना आधा सेंटेंस पूरा कर लिया है वुमेन एंड ट्रांसजेंडर जिनकी एज यहाँ पर पचास से मेल कन्वेक्ट जिनकी एज यहां ने एक केस में नहीं दिया जाए तो, इन नस्कर, तो सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन जिस बेसिसन दिया जा सकता है ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम और ये यह सोसायटी को चांस ऑफ बिंग रिपेटेड इन फ्यूचर क्या क्राइम यहां पर दोबारा रिपीट कर सकता है

क्राइम हुआ था वो यहाँ पर गुजरात में ही हुआ था तो गुजरात वॉज द अप्रप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन क्वेश्चन लाइक रमेश और प्री मे्यो रिलीज बिकॉज इट वॉज देयर दट द क्राइम वॉज कमिटेड एंड नॉट द स्टेट वेद ट्रायल स्टैंड ट्रांसफर्ड और यहाँ पर बिल्कुल बानो केस में यहाँ पर यह जो ग्यारह कन्विक्ट थे इनको रेमिशन दे दिया गया है क्योंकि इनकी चौदह साल की सजा पूरी हो चुकी थी अब क्या कर सकती हैं बिलकिस बानो तो बिल्किस बानो यहाँ पर अप्रोच कर सकती हैं टू द हाई कोर्ट और टू द सुप्रीम कोर्ट तो एडवोकेट शोभा गुप्ता हु रिप्रेजेंटेड बिल्किस बानो एट द सुप्रीम कोर्ट अर द लीगल रेमेडी जो यहाँ पर अवेलेबल है बिल्किस बानो के पास कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑर्डर को, को चैलेंज कर सकती है कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बिफोर एक्चुअली एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ रेमिशन अंडर सेक्शन 432 थर्टी टू ऑफ द सी आर पी सी यहाँ पर जो एक पर्सन है वो यहाँ पर कोर्ट में गया था और कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा था कि गवर्नमेंट एक पैनल बना सकती है फिर गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया और यहाँ पर रेमिशन दे दी ग्यारह कन्वेक्ट्स को तो रेमिशन कैन देयर फोर बी गिवन ओनली ऑन अ केस बाई केस बेसिस और होल सम मैनर में आप नहीं दे सकते कि ये रूल्स और इन रूल्स के बेसिस पर यहाँ पर सबको रेमिशन दे दी जाएगी ऐसा नहीं होगा आपको केस बाई केस बेसिस के ऊपर देखना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है लक्ष्मण नस्कर वर्स यूनियन ऑफ इंडिया कि कौन कौन से ग्राउंड्स को यहाँ पर देखा जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर दिया जाएगा नेक्स्ट ये हम डिस्कस नहीं करेंगे इंपॉर्टेंट कॉर्निया है तो कॉर्निया के डैमेज की, की वजह से बहुत सारे लोगों की आईसाइट चली जाती है तो यहाँ पर पिग के कोलाजन को, को यूज करके यहाँ पर जो साइट है उसको री किया जा सकता है और कॉर्निया को बायो इंजीनियर किया जा सकता है मिल्क प्राइजेस बड़े हैं हर जगह के लेकिन बेंगलुरु में सबसे ज्यादा कम लोगों को पे करना पड़ता है मिल्क क्यों तो उनकी एक स्कीम है कर्नाटका गवर्नमेंट की तो इट हैज टू डू विद कर्नाटका स्कीम दैट वॉज लॉन्च बाई फॉर्मर सी एम बी एस येडियप्पा और उसमें यहाँ पर जो सरकार है वो क्या करती है वो टू रुपीज़ टू पर लीटर इंसेंटिव देती है जिसको बाद में बढ़ाकर फाइव पर लीटर कर दिया गया उसके बाद यहाँ पर सिक्स रुपये पर लीटर कर दिया गया तो सरकार अगर इंसेंटिव देगी तो ऑफ़कोर्स यहाँ पर प्राइजेज़ कम होंगे मिल्क के अब हम चलते हैं आगे इकॉमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये तो यहाँ पर ये न्यूज़ है अमूल मदर डेरी ने मिल्क प्राइज हाई कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड एम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पोस्ट कोविड के बाद जो क्रेडिट है वो यहाँ पर ज़्यादा ले रहे हैं फिर यहाँ पर जो ओला है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करेगा फोर व्हीलर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे गुड फेलो हमने पहले डिस्कस कर लिया गुड फेलो क्या स्टार्टअप है यहाँ पर और इसमें जो रतन टाटा सर है वो इसमें सीट फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इसीलिए ये स्टार्टअप हमने डिस्कस कर लिया नेक्स्ट है फेड्स अपोज अनसीलिंग एफिडेविट तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ये प्रेसिडेंशियल ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने घर लेकर चले गए थे जिसके बाद उनके घर के ऊपर रेट की गई फिर यहाँ पर नेक्स्ट है टू एंड पीरियड पावर्टी यहाँ पर स्कॉटलैंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो कि यहाँ पर जो सैनिटी पैड्स हैं वो यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करेगा तो इनशिएटिव मेक्स स्कॉटलैंड द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनट्री पैड्स पार्ट ऑफ ए ग्लोबल एफर्ट टू एंड पीरियड पॉवर्टी और लैक ऑफ एक्सेस टू टेम्पोन्स और सेंट्री पैड्स बिकॉज ऑफ प्रोहबिटिवली हाई कॉस्ट अब हम चलते हैं आगे बस इतना ही है आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे